हमारे YouTube चैनल बात तो सही है में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पहली वीडियो लेकर आ रहे हैं अपनी, जिसका हमारा टॉपिक होगा अपनों का व्यापार बढ़ाना, क्योंकि हम लोग अपनों के व्यापार से दूर जाते जा रहे हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आप लोगों को सबका शुक्रगुजार हूँ जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। प्लस अगर आपको इसमें कोई सजेशन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि बात तो सही है। अब मैं आपको बात करना चाहता हूँ हम लोगों को अपनों का व्यापार कैसे बढ़ाना है। देखो, आजकल हम लोग शॉपिंग के लिए बहुत सारे जरिए अपना रहे हैं, जिनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा, वो लोग आप मेरे से बेटर जानते हैं। बट मेरी ख्वाहिश आपसे एक है कि हम लोगों को पहली प्रायोरिटी अपनों को देनी चाहिए, अपनों का व्यापार बढ़ाना चाहिए, अपनों के बारे में बात करनी चाहिए, अपनों का साथ देना चाहिए। उसके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग अपनों को छोड़ के दूसरों के पास जाने लगे हैं, अपनों के व्यापार में साथ नहीं खड़े होते हैं। हम लोगों का काम है अपनों का साथ देना। अब मान लो आपका कोई भाई, दोस्त या व्यापारी या कोई भी एनी अदर एल्स कि आपके साथ जुड़ा हुआ है, और वो आप उससे सामान ना खरीद के किसी और से खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लॉस है। और आज की डेट में जैसे व्यापार रूप में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है, तो हम लोगों का ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की मदद करें। उसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि कभी भी आपके पास कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो सबसे पहली प्राथमिकता अपनों को दें। आप कोशिश करें पहले ये ढूंढें कि कौन आपस में आपके पास में है जिससे आप वो चीज़ खरीद सकते हैं। देखो, हो सकता है वो आपको महंगी दे, हो सकता है कि वो आपके साथ आपको अलग सजेशन दे कि आप ये ना खरीदें ना, बट उसके लिए फ़ायदा आपका ही होगा, क्योंकि कोई भी आपको अपना जो होगा वो व्यापार में गलत सलाह नहीं देगा। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि आप अपनों की प्रायोरिटी दें, जिससे कि आप उनके व्यापार में मदद करें। हम लोग मदद तो करना चाहते हैं, बट उस केस में मदद करते हैं जिस केस में किसी की नीड नहीं होती है। जैसे कि अगर किसी की कोई दुर्घटनावश कोई हॉस्पिटलाइज होता है या कुछ होता है, तो हम हॉस्पिटल में जाकर तो ये बोल देते हैं कि हम यार मैं तेरे लायक कुछ कर सकता हूँ तो प्लीज़ बताना, मैं करना चाहूँगा। बट जब सच में उसको ज़रूरत है आज व्यापार में बढ़ोतरी करने की, व्यापार में साथ देने की, तब हम लोग किसी के साथ नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है आप लोगों तक एक मैसेज पहुँचाना कि कृपया ना करके किसी ना किसी तरीके से अपनों का साथ दें। इसमें मैं सिर्फ व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसमें अपने प्रोफेशनल लाइफ के बंदों के साथ भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि कोई प्रोफेशनल कैब ड्राइवर हो सकता है, कोई आपका ब्यूटी पार्लर वाला हो सकता है, कोई आपका सीए हो सकता है, वकील हो सकता है, वो भी आप लोगों के बहुत साथ के बंदे हो सकते हैं। और लाइफ में कभी ना कभी हमें किसी ना किसी की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। तो मेरी कोशिश ये है कि पहली प्राथमिकता आप अपनों को दें। उसके लिए आप अपनों के पास जाएं, अपनों के साथ रहें और उनको व्यापार दें। उसमें कल को आपको भी फ़ायदा है, क्योंकि आप भी किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी प्रोफेशन में, किसी ना किसी व्यापार में आप भी जुड़े होंगे। जब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो वो लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। और यही मेरी प्रायोरिटी है कि इस देश में अब हमें लोगों को अपनों को साथ में लेके चलना है, तभी हम लोगों की तरक्की भी निश्चित होगी। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।